ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए 13 मई उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताया। स्वाति मालीवाल ने अपने दिए इस इंटरव्यू में बताया कि वो 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थी। सीएम के स्टाफ ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव कुमार वहां पर आते हैं और स्वाति मालीवाल से मारपीट करने लग जाते हैं। विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे और जब स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार को धक्का देने की कोशिश की तो उनका पैर पकड़कर नीचे घसीट दिया गया। मालीवाल ने आगे कहा कि इस दौरान उनका सिर सेंटर में रखे टेबल से टकरा गया और वो नीचे जा गिरी। फिर विभव ने स्वाति मालीवाल को लातों से मारना शुरू किया। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई मदद के लिए वहां नहीं आया। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने इस मामले में 16 मई को FIR दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इस पूरे मामले में अब स्वाति मालीवाल ने खुलकर घटना के बारे में बताया है। सुनिए आप भी। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने। विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत जोर जोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। विभव ने अकेले मारा क्या, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ मैं ये भी है लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी पर कोई आया। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब। तो अपने इस इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने ये साफ साफ कहा है कि वो किसी को क्लीन चिट नहीं देंगी। उधर उन्होंने ये भी कहा है ये सारे मामले की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी के लिए वो पद खाली कर दे। वहीं अभिषेक मनु संघवी ने इस बात को पूरी तरीके से नकारा है। केजरीवाल जी ने कहा है, स्वाति माल जी ने कहा है, राघव चड्ढा जी ने कहा है, किसी ने कहा है तो पूछ लीजिए उनसे, मैं इस पर क्यों जवाब दूं। केजरीवाल जी ने कहा है, स्वाति माल जी ने। वहीं स्वाति मालीवाल के अनुसार पार्टी को ना कहना उन पर भारी पड़ गया और पार्टी को आखिर ना कैसे कहा ये बार बार विभव कुमार उनसे मारपीट के दौरान कह रहे थे। लेकिन स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा सीट देने के लिए राजी नहीं हुई जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से केसी जैन जी का स्वागत करती हूँ मैं। वहीं सपा से जैनुल अख्तर। हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील त्रिपाठी जी, और आपसे प्रवक्ता शेख प्रताप सिंह। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के चुनाव होने हैं कल और आज स्वाति मालीवाल ने अपना इंटरव्यू दिया है, ये पहला इंटरव्यू, कैसे देखते हैं आप इसको केसी जैन जी? जी देखिए, आपको आवाज मिली है हमारी? जी आपकी आवाज हम तक आ रही है। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस दिन ये घटनाक्रम घटित हुआ जी, उसके बाद में केजरीवाल जी को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं, और उल्टे सवाल पूछा गया कि आपने 2-3 दिन वेट क्यों किया FIR दर्ज कराने में, जबकि पुलिस को इन्फॉर्म करके उन्होंने तत्काल बुलाया था स्वाति मालीवाल ने, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस नहीं आती तो शायद हमारी जान भी नहीं बचती।
जिस प्रकार से विभव कुमार ने हमारी गर्दन पर पैर रख करके हमें कुचलने का प्रयास किया और हमारे कपड़े खींचे, हमारे शर्ट के बटन खुल गए और तमाम सारी गाली गलौज की, बदतमीजी की और लगातार लातों से हमारे ऊपर वार करते रहे, और इस तरीके का जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है और जो बातें सामने है उसमें, उसके बाद में लखनऊ में जब मीटिंग थी इसी लखनऊ राजधानी में और अखिलेश यादव जी के साथ जिस प्रकार से साझा मंच साझा किया केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल जी ने केजरीवाल जी के साथ में विभव कुमार लगातार साथ में बने रहे, इतने बड़े घटनाक्रम होने के बाद में भी, जबकि उनको तत्काल पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन करते रहे। तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से विभव कुमार का प्रोटेक्शन करती रही, उनका बचाव करती रही, और आज जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल ने स्वयं सारी चीजें स्पष्ट कर दी है, जिसको अभी तक आम आदमी पार्टी डाइल्यूट करने के लिए कह रही थी घर का मामला है, हम सुलटा लेंगे। अरे घर के मामले में कोई अपनी बहन बेटियों के ऊपर क्या लात घूसों से वार करता है, क्या बाल पकड़कर खींचता है, क्या क्या उस तरीके से मारपीट करता है कि उसके कपड़े फट जाए और उसके बाद में भी उसके साथ बदतमीजी होती रहे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बचाव की मुद्रा में अभी तक आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद में भी स्वाति मालीवाल पर लगातार दबाव था कि FIR आप वापस लीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के बयान आए कि सब कुछ सुलट जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है, यानी FIR जो दर्ज कराई है उसको वापस लेने वाली है। लेकिन आज जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल ने स्वयं सारी चीजों को स्पष्ट किया कि उनके साथ मारपीट क्यों हुई, क्यों उनकी जगह पर किसको राज्यसभा भेजना चाहती थी आम आदमी पार्टी, और इस्तीफा न देने पर उनके साथ जो वसूली, जो मारपीट हुई, उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मेन चीज ये है कि पुलिस इस पर जांच कर रही है, 164 के बयान हो चुके हैं, पुलिस कार्रवाई हो रही है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल बयान की इसमें कोई आवश्यकता बचती है। ठीक है केसी जैन जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, इन्होंने कहा कि इसमें किसी पॉलिटिकल बयान की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अब अपने मामले, अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में उन्होंने बोलते हुए ये खुलासा किया है कि केजरीवाल के ही ड्रॉइंग रूम में उनके साथ मारपीट की गई है, और आपको पता होगा कि कल गुरुवार को केजरीवाल के माता पिता से भी पुलिस पूछताछ करने के लिए आने वाली थी, लेकिन वो नहीं पहुंची वहां पर। इसी मामले में कि क्या उन्होंने ये जो चीख थी, जो चिल्लाहट थी, ये सुनाई दी थी उन्हें, क्योंकि ड्रॉइंग रूम में ये सब कुछ हो रहा था, और आज स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े नेता उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके दोस्तों को रीच आउट किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसी वीडियोस दो ताकि हम स्वाति मालीवाल के अंगेंस्ट इस्तेमाल कर पाए, वायरल कर पाए। अभिषेक जी, जी बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो आप देश के चौथे स्तंभ है, मीडिया देश की चौथी स्तंभ होती है, और पूरा का पूरा प्रकरण जो आपको है एक प्रोपेगेंडा के तहत रचा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे केजरीवाल जी ने बयान दे रखा है कि जो भी प्रकरण है इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी दोषी हो उनको कार्रवाई की जाए। तो पहली चीज तो अगर आप लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो हमारे बीजेपी के साथी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वेशन इसमें है, वो बिल्कुल नहीं है, आप भी जान लीजिए। और इन्वॉल्वेशन होगा भी तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस के पास कोई TDR है, पुलिस लेके गई है, पुलिस बयान ले रही है, 164 के बयान हो चुके हैं, आरोप निरारोप वो तो अलग सी बात, जब जांच होगा निष्पक्ष जांच हो जाएगी और दोषी आपके सामने होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, हम सुनील जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि सुनील जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्वाति मालीवाल मारपीट का जो केस है इसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में दोगुने उत्साह के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, एक तरीके से वो दिल्ली की जनता का नजरिया बदलने में लगी हुई है। सुनील जी, देखिए कांग्रेस और आप पार्टी स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने का मौका सदैव देती रही है। मैं देख रहा हूं कि चाहे राहुल जी के बयान हो या उनके कृत्य हो या केजरीवाल जी, इन्हीं लोगों की देन है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकरण को गंभीरता से न लेना ये आप पार्टी के लिए गलत बात है। एक महिला सांसद को इस तरह से मारना वो भी आवास पे, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। देखिए आज मैं कई चैनलों पे देखा इस बात को कि खबर चल रही थी
कि अभिषेक मनु सिंधवी को जो है बनाने सांसद बनाने के लिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था। अगर कुछ सच्चाई नहीं है तो इतना बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल जी क्यों लगा रही हैं? और मैं फिर कहना चाहूंगा, सबसे गंभीर मुद्दा कि एक महिला जो एक सांसद है, ऐसी बहन बेटियों पर आप इस तरह जुल्म कर रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देंगे? जब आप अपने सांसद की इस तरह से पिटाई अपने ही घर में करा रहे हैं, तो जनता की सुरक्षा कैसे मुहैया कराएंगे? ये जनता बेहतरीन देख रही है। और जो आज अभी हमारे मित्र द्वारा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही, तो आप क्यों ऐसे कार्य करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी फायदा मिले? आप तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद फेंकने में लगे हुए हैं। ये छोटी सी घटना है और इतना बड़ा आरोप आपके आवास पर, इतनी बड़ी घटना होती रही, आवास पुलिसकर्मी, छोटे से मंत्री विधायक वहां तो आवासकर्मी लगे रहते हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं। आपके आवासकर्मी सुरक्षाकर्मी कहां थे, बचाने में क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए तो केजरीवाल जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और अगर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप समझिए आप पार्टी की फजीहत दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जांच हो रही, जांच जी एक सेकंड, जांच हो रही अच्छी बात है, जांच में अब तक हुआ क्या? जैसे अभी हमारे जैन साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वैभव जी मौजूद थे। क्यों? अभी एक महिला को उत्तर प्रदेश में एक गाली देके देख लीजिए, शाम को पुलिस उठा ले जाती है। और आपके आवास पर इतनी बड़ी घटना हुई और आप उस अपराधी को एक प्रकार से अपने साथ लेके घूम रहे हैं, तो प्रोटेक्शन नहीं, क्या है ये? जी जी अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या ये सच है कि आपकी ही तरफ से कुछ ऐसा कर दिया जाता है? क्योंकि भाजपा वालों को तो मुद्दे चाहिए और मुद्दे मिले हैं तो वो उनको बुलाने में जरूर लगे होंगे। जो हमारे जो साथी संजय जी हैं, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि एक अपराधी, एक बड़ा सा शब्द यूज कर लिया, अपराधी, दुर्दांत अपराधी। तो पहले तो मैं आपकी जानकारी, दुर्दांत मैंने नहीं कहा, आप सुनने प्रयास कीजिए, मैंने कहा कि ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति साथ में दुर्दांत अपराधी नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, पहले सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए। जब नहीं तो आप दुर्दांत अपराधी मैंने कहा नहीं तो आप झूठा आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। पहली चीज तो ये, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए ना, आप सुन लीजिए। जब तक कोई अपराध साबित हो, अपराधी नहीं होता, ये माननीय न्यायालय का मानना है। मैं एडवोकेट हूं, आई नो परफेक्टली वाली ला, मुझे सब मालूम है, अपराध साबित होने के बाद ये अपराधी होता है। लेकिन मैंने सुना, क्या जो मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए, मैं आप पहले मुझे सुनिए, आपको मैं सुन रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप ना बोलिए, सुनिए। जब मैं आप बोल चुकाऊंगा तो आप बोलिएगा, पूरी छूट आजादी आपको है, बोलने की पूरी आजादी है भारत देश में, आप बोलिएगा। गलत ना बोलिए मेरे भाई, पहली चीज, अरे तो सुनिए ना पहले पूरा, उसके बाद बोलिए ना, पहले पूरा सुनिए। पहली चीज तो मुख्यमंत्री आवास पे सुरक्षा व्यवस्था होती है, घर के बाहर भी, घर के अंदर भी। अगर किसी के साथ मारपीट हो रही है और वो बताती है आज के बयान में कि मेरे साथ मारपीट हो रही थी, तो ड्राइंग रूम में अकेले उनके पियर थे और कोई दूसरा नहीं था। मारपीट होने के बाद वो सोफे पे बैठ जाती है, आदमी को कोई इतना मारेगा लात घूंसों से, फिर वो आराम से सोफे बैठ के फोन नंबर डायल करने देगा पुलिस को? ये आप बताइए, कोई करने देगा? और दूसरी, अगर कोई मार खाता है तो जान मचाने के लिए बाहर भागेगा, ना कि सोफे पे बैठेगा। ये जांच कर, मतलब आप चाहते थे उनकी हत्या हुई थी, तब मानते कि उसका घटना हुई है? ये जांच का विषय है, हम जांच में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी जो है इस मामले का टूल भी दे रही है। एक मिनट केसी जैन जी, अभिषेक जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपको मौका देती हूँ। जी अभिषेक जी, बीजेपी इस मामले को इसलिए तूल दे रही है क्योंकि कल चुनाव है, बीजेपी के पास अपने कोई मुद्दे नहीं है। भाई साहब से ये पूछिए, जब मणिपुर की हिंसा हुई, किसी महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, देश की शान, देश के फौजी होता है उसकी महिला को, तब ये लोग कहां थे? देश के मेडल लाने वाली बेटियां जो धर्म महीना चीना देती है, तब ये लोग कहां थे? तब इनको याद नहीं आया? दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन में है, वो जांच कर रही है, तो निष्पक्ष जांच होगी। तो जांच आने तक आप अपराधी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस अपनी जांच निष्पक्ष रूप से करे और जब तक जुर्म साबित ना हो आप अपराध मत बोलिए। केजरीवाल जी के बूढ़े माता पिता को पुलिस बुलाती है बयान के लिए और पुलिस नहीं आती है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी बता दूं पहले मैं, कि आप पूरी जानकारी रखिए तब बीच में बात किया करिए, ठीक है? बीजेपी को मजा आ रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही है। उसके पास ना साथ कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, ना आपके पास रोजगार की व्यवस्था है, आपके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है,
बाकी आम आदमी पार्टी से इतना डरी हुई बीजेपी कि छोटे छोटे मुद्दे लेके उठती है। मैं फिर बता दूं, ये जांच चल रही है, जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और निष्पक्ष जो भी होगा वो फैसला आएगा। लेकिन अभिषेक जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे कि जांच का विषय है, ठीक है, निष्पक्ष जांच की जा रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने एक मुद्दा इस पर भी उठाया है कि इतना सब कुछ उनके साथ हो गया है, सीएम आवास पर वो गई और उनके ही ड्राइंग रूम में उनके साथ बदसलूकी की गई है। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार है, मतलब वो हर टेस्ट के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो सच्ची है और उनको किसी से डर नहीं लगता। और जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, और बाबर ऐसा भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की चुप्पी कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा करती है कि जो उनके पीए हैं उनको हो सकता है कुछ ऐसी बात पता हो जो शायद बाहर ना आए, बाहर आने पे केजरीवाल के लिए वो मुसीबत बन सकती है। अभिषेक जी, नहीं आनी चाहिए ऐसी कोई बात। कल ही आपका बयान केजरीवाल जी दे चुके हैं कि जो भी जांच होगी या जो भी एजेंसी जांच करेगी, पुलिस करे, सीबीआई करे, जिसको जो जांच करनी हो निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच करके फैसला दे। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो फजीहत बीजेपी के द्वारा की जा रही है, चेहरी चीज तो मारपीट हुई नहीं है, पहली चीज आप मान लीजिए, अगर किसी के साथ मारपीट होती जिस हिसाब से वीडियो फुटेज बाहर आए हुए, अच्छे से मालीवाल जी जा रही है, बाहर जा रही है, पुलिस को बता रही है, फोन कर रही है, गाली गलौज वो कर रही है, उनका वीडियो भी एजेंसी को दिया गया है, तो मारपीट तो सीएम ऑफिस में नहीं हुई। फिर भी अगर उनको लगता है तो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच के बाद वो खुद ही बता देंगे कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई है, किसके सारे पे हुई है, वो सब कुछ दूध दूध पानी का पानी जाएगा। उसमें हमारे कहने का मतलब है कि जो भी वीडियोस लीक हुए, जो भी फुटेज बाहर लाए गए हैं वो झूठे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो ट्रिम्ड वीडियोस है, पूरी बात तो उन्होंने उस वीडियो के जरिए बताई ही नहीं है, वीडियो तो पूरी बाहर आई ही नहीं है, वो ट्रिम्ड वीडियोस है, काट पीट के वीडियोस को बाहर पब्लिक डोमेन में लाया गया है। अभिषेक जी, तो आप अभी आपने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच करें, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे, आप इतने कॉन्फिडेंट होके कैसे ये बात कह सकते हैं? अभिषेक जी, अभी तो जांच चल रही है, आरोप लगाए हैं, आरोप लगाए, उनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि वो एक एजेंट, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। वो पूरा मुद्दा इसलिए बना के आई, वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, आप इतना डरी हुई क्यों है? बीजेपी का पूरा ये षड्यंत्र रचा गया है, इसलिए सब कुछ हुआ है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी है, तब पता चलेगा। बोलने के लिए तब से जी केसी जैन जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये, यही स्वाति मालीवाल तब श्रेणी की संज्ञा दी जाती है जब किसी मामले में कोई वक्तव्य वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में देती है। लेकिन आज जब उनके साथ इतनी विभत्स घटना हुई है और अभियुक्तों को लगातार बचाने का प्रयास स्वयं केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर के घूम रहे थे, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ में रखे थे, जो बातें मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ही जिस प्रकार से बेशर्मी से लगातार प्रोटेक्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, और साथ ही साथ वहां घटित घटना को सीधे नकार रहे हैं, यानी एफआईआर भी फर्जी हो गई, वीडियो फुटेज भी फर्जी हो गए, और एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद महिला जो इस तरीके की एफआईआर दर्ज कराती है कि हमारे शर्ट के बटन टूट गए, हमें लात घूसों से मारा गया वहां पर, वो सब कुछ फर्जी हो गया, मुख्यमंत्री आवास के अंदर सारी घटना घटी, उसमें सारी फर्जी हो गई। उनको अगर झूठे आरोप लगाने थे तो कहीं भी घटना दिखा सकती थी कि वहां पे उनके आदमी आए, उन्होंने इस तरीके से कह दिया मेरे साथ। लेकिन जो चीज अभी आम आदमी पार्टी के साथी स्वयं कह रहे थे कि वहां पूरी सिक्योरिटी होती है, वहां पे वीडियो कैमरा लगे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगे हुए हैं, और ऐसे में एक सांसद महिला जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, दिल्ली की दो दो बार अध्यक्ष रह चुकी है, उसको ये पता है कि कहाँ एविडेंस होंगे कहाँ नहीं होंगे। अगर 1% भी फर्जी घटना होती तो उन्होंने इस ऐसी जगह का चुनाव किया होता जहां पे कैमरे नहीं लगे होते। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में अचानक उनके साथ घटना घटती है, और वो तो मिलने के लिए जाती केजरीवाल जी से, और जानकारी ये भी आ रही है केजरीवाल जी अंदर थे वहां पर उस समय पर, उसके बाद उनके साथ घटना घटती रही, वो बाहर नहीं आए, ये भी जांच का विषय है। लेकिन एक महिला अपने बयान जो दर्ज करा रही है, एक महिला अपने ऊपर स्वयं के चरित्रहरण नहीं करेगी कि उसके शर्ट के बटन टूट गए, उसके बाद बदतमीजी की गई, उसके बाद बदसलूकी की गई,
कौन महिला अपने साथ इस तरीके के आरोप लगाएगी? और साथ ही साथ कोई साधारण महिला नहीं, राज्यसभा सांसद। और एक बात, आप एक तरफ कह रहे हैं जांच हो जाना चाहिए, उसके बाद आप अपराधी कहिए, लेकिन जो वादी मुकदमा है जिसने आरोप लगाए हैं उसको आप झूठा साबित कर रहे हैं, बिना जांच के आप उसको कैसे झूठा साबित कर सकते हैं? और एक चीज है कि आखिर आप विभव कुमार को बचाने के लिए क्यों मैदान में उतर रहे हैं? आरोप सारे की सारे विभव कुमार पर है, ना कि केजरीवाल पर। लेकिन केजरीवाल जी, उनको सारी घटनाक्रम सामने आने के बाद में विभव कुमार को बर्खास्त करने के बजाय, उनको दूर करने के बजाय उनका प्रोटेक्शन करते हुए कि वो एक मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के साथ उनका पीए है, उससे पूछताछ ना होने पाए, पुलिस कोई कार्रवाई ना करने पाए, इसलिए बचाते हुए लखनऊ तक ले आए, दिल्ली से दूसरे प्रदेश में ले आए कि हम इनको बचा ले जाएंगे। लेकिन बचने वाले नहीं है वो, कार्रवाई हो रही है और 164 के बयान भी हो चुके हैं कोर्ट के सामने, 164 के बयान कलमबंद बयान हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कोई महिला 164 के बयान देने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद, पुलिस जांच आगे बढ़ने के बाद, आपको लगता है आप उसको डरा धमका के उसके बयान वापस करा लेंगे? आपको लगता है FIR आप वापस करा लेंगे? आपको लगता है कि जिस प्रकार से 3-4 दिन उसको बचाते रहे विभव कुमार को, आप आगे बचाते रह जाएंगे, बचा ले जाएंगे? आपको क्या लगता है केजरीवाल जी विभव कुमार को बचा ले पाएंगे क्या? नहीं बचा पाएंगे, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अपराधी मत कहिए, अभियुक्त कहिए, वो अभी अभियुक्त है। दूसरी तरफ आप एक महिला को, एक राज्यसभा सांसद महिला को, जिसकी इज्जत तार तार की गई, जिसके साथ बदसलूकी की गई, जिसके साथ मारपीट की गई, जिसके जान लेने का प्रयास किया गया, आप कह रहे वो सब झूठा है? अभी तक आपकी पार्टी में थी, आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, क्या हो गया आखिर रातों रात कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगी? जो षड्यंत्र करने लगेगी जिसके पास राज्यसभा का पद है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपका डोलमोल रवैया, आपका प्रोटेक्शन में उतरना, आपका जिस प्रकार से विभव कुमार को बचाना और विभव कुमार को केजरीवाल को बचाना और केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक प्रवक्ता बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चीजें क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, 164 के बयान हो चुके हैं, और एक सशक्त महिला को इस तरीके से अगर अपमानित किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है, मारपीट की जा सकती है, तो किसी के साथ कुछ भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, सांसद कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, ठीक है। जानू लगता जी से हम इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जानू लगता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जानू लगता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अभिषेक जी से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। अभिषेक जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर, जानू लगता जी आपको हमारी आवाज आ रही है, तो इस पर जवाब दीजिए कि किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं। जी देखिए मैडम, जो ये मामला है वो कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए, FIR दर्ज हो चुका है और उसके अनुसार कानूनी रूप से जो जांच होनी चाहिए वो जांच होगी, जो भी उसके जो है रिपोर्ट आएंगे उसके अनुसार जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसको इतना देश में इस वक्त जो है आम चुनाव चल रहे हैं, कल 6वें चरण का चुनाव होगा और उस चुनावी मुद्दे को इस तरह की मतलब एक घटना पे ही पूरा फोकस किया जाए, डिबेट किया जाए, देश के सामने आपके एक से एक जो है मुद्दे हैं जो चुनाव और आने वाले सरकार बनाने में जो है उनके लिए रोजगार, उनके लिए जो है जैनुल जी, रोजगार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये मतलब तो हमेशा ही है। तो किसी महिला के साथ महिला कुछ भी हो जाए उसके साथ चर्चा ना की जाए, कल दिल्ली में भी चुनाव होने, जैनुल लगता सांसद महिला के साथ, जैनुल लगता जी चुनाव है, कल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, क्या एक महिला के साथ, एक मिनट केसी जैन जी, एक मिनट महिला के साथ राज्यसभा सांसद है उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है? चुनाव है, जरूरी चुनाव है, ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में हम सभी मना रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज करना क्या आपके लिए सही है जानू लगता जी? मैं ये कह रहा हूं कि जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जांच FIR हो गई है, जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो गवर्नमेंट अपना करेगी नियमानुसार। अब इस मुद्दे को हम पिछले भी डिबेट में देखे कि ये मुद्दा को जो है छाया रहा, इस भी डिबेट में मैं देख रहा हूं छाया रहा, जो अन्य भी आपके राजनीतिक रूप से मुद्दे हैं, देश के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, उस पे भी चर्चा होना चाहिए,
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, इस पे चर्चा करना चाहिए हमारे राजनीतिक दलों का, जो देश का भविष्य हम और आप ही हैं, हम और आप ही अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, हम और आप ही अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और आप ही इस देश में हैं, इस देश को कितना सशक्तिकरण, कितना मजबूती देने वाले हम और आप ही हैं। ऐसी बातें करके क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं जानू लगता जी? खैर हम आपके पास दोबारा आएंगे अभिषेक जी। जी जानू लगता जी एक मिनट, आपके पास दोबारा हम आएंगे अभिषेक जी। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप केसी जैन के सवालों का जवाब देने के लिए। मैं आपको बताऊं हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है, आगे भी करती रहेगी। जहां तक बात आपने की, केसी जैन जी बता रहे हैं कि महिला के लिए आपने मारा पीटा, जान लेनी क्षमता की उसने आरोप लगाए, तो मैं आपको बताऊं महिला होने के नाते ही कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इसी महिला स्वाति मालगाल जी ने अपने पिता पे भी आरोप लगाए थे, इन्हीं स्वाति मालगाल जी ने। रही बात पार्टी की तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, उन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद क्या हुआ, आरोप तो लगाए थे अपने पिता पे ही। जो ये बात करें कोई महिला अपने चरित्र पे कैसे आरोप लगा दी, उन्होंने अपने पिता पे यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए था। सुन लीजिए पहले आप, अगर अगर आपके महिला गलत है, अगर आपके हिसाब से वो गलत ही है तो उनको अपनी पार्टी में अब तक क्यों बनाए रखा? मेरे हिसाब से नहीं, पार्टी मेरे हिसाब से नहीं चलती है, वो पार्टी के आला अधिकारी तय करते हैं, हाईकमान तय करता है, मेरे हिसाब से चलती है। जो मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आला अधिकारी तय करते हैं उनको राजसभा भेजने के लिए, वही उनकी पिटाई कराते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सब कुछ आला अधिकारी तय कर रहे हैं आपके वहां पर। रत्ना जी को रोकिए बीच में, आप पहले शांत होकर सुनिए, जब मेरी बात खत्म हो जाए तब आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, सुनने से नहीं होता है, सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। अगर आप गलत बात करेंगे तो जवाब आपको मिलेगा। एक सम्मानित डिबेट कर रहे हैं और आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। जानकारी ना हो तो बिना जानकारी लगाए डिबेट मत करिए, युक्त है कि नहीं है जानकारी को हमें हराना नहीं होता। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, पिता पे आरोप लगाया, यानी कि अगर कोई आपकी पार्टी क्यों रखा है, अगर आरोप हो जाए, अगर आरोप लगाए, यानी कि वो सारे झूठे आरोप लगा रही है। शांत होकर पहले सुनिए, वीडियो आया है सामने, वीडियो सामने आया है, शांत होकर आप पहले सुनिए, आप सुनिए पहले, सुनाइए। इन्हीं स्वाति मालगाल जी ने आरोप लगाया था अपने पिताजी के ऊपर, ना पता हो तो जाके गूगल चेक कर लीजिएगा, न्यूज चेक कर लीजिएगा। यही स्वाति मालगाल जी ने आरोप लगाया बोल दिए। सबको मौका दिया जाएगा, अभिषेक जी को अपना पक्ष रखने दीजिए पहले, एक मिनट बोलिए अभिषेक जी। रत्ना जी मैं जब जैन जी बोल रहे थे मैं शांत होकर सुन रहा था सारी बातें, तो निवेदन है कि ये भी सारी बातें सुने। पहला आपने कहा कि स्वाति मालवाल जी ने आरोप लगाया है उनके साथ मारपीट हुई है, जान से मारने की ये हुआ हुआ, ठीक है आपका जो आरोप है, आरोप नंबर एक, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। स्वाति मालवाल जी ने अपने पिताजी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था दो चार दस साल पहले, नहीं बहुत हाल में ही, साल दो साल पहले, पहली चीज तो ये। उन्होंने फिर से आरोप लगाया है कि सीएम हाउस में उनको मारा गया, पीटा गया, जान से उनकी धमकी दी गई, जो भी किया गया उसका पूरा डीवीआर पुलिस ले गई है, पुलिस ने रिमांड ले रखा है वीओ जी को, पुलिस रिमांड पे है। केजरीवाल जी ने खुद बयान दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और हम भी पुलिस का पूरा साथ दे रहे हैं। पुलिस दिल्ली की बीजेपी के हाथों में, तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे दबाव में नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि लखनऊ लेके आए, वहां लेके आए, जब मामला रिपोर्ट हुआ, एफआईआर हुआ, जब पुलिस आई वो लेके पकड़ गई, किसी ने बचाव नहीं किया, अपने बात अपनी रखने का सब। आप बचा भी नहीं पाएंगे ना, आप बीच में बोलिए, आप बीच में बचा पाएंगे, आप बीच में बोलिए। एफआईआर दर्ज हो गई है केसी जैन जी, आप मेरी बात तो सुनिए केसी जैन जी, पुलिस कस्टडी में केसी जैन जी, और केसी जैन जी आपको मेरी आवाज आ रही है केसी जैन जी, मेरी एक बात आ जाए, केसी जैन जी ये कह रहे हैं कि किसी ने बचाया नहीं, केसी जैन जी बस सुनिए तो बात, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे फिर आप दोनों आपस में एक साथ, आप उनके सवालों का जवाब दीजिएगा, आप उनके सवालों का जवाब दीजिएगा, उसके लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ केसी जैन जी, एक मिनट
इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक को समझाती फिरूंगी कि अरे रुक कर बोलिए एक मिनट। अभिषेक जी आप अपनी बात तुरंत खत्म करिए, आप एक सम्मानित चैनल बैठ के हैं तो कम से कम बात सुनिए। वो महिला ही आपको रोक रही है, आप सुन लीजिए। अगर बात करनी होती है तो जब हम बात करते हैं, दिल्ली की महिला जो रेसलर होती है वो पूरे देश का नाम रोशन करती है, सांसद पद से बड़ा होता है मेडल लाना तब उनकी बात नहीं करते हैं, उनकी आवाज उठती तो उनकी बात नहीं करते हैं, वो FIR कराती है। फिर आप बीच बोल दिए तो आप ही कर बोल लीजिए। आप बचाओ में, आप लगातार बचाओ की मुद्रा में आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे जवाब तो दे रहा हूं, आप कह रहे हैं इधर की उधर की, आप क्यों भाग रहे हैं जवाब से, क्यों भाग रहे हैं? आप दे रहा हूं तो आवाज सुनिए, सुनने की जरूरत है ना, क्यों भाग रहे हैं? अभियुक्त को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सुनिए तो, सुनिए आपकी बातें बत्तियां उड़ रहा हूँ, सुनिए बीजेपी मामले की जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसका हम पूरा सहयोग करते हैं। देश की बेटियां सांसद पद से बड़ा है, जो मेडल लाती देश का नाम ऊंचा करती है, उनकी FIR होती है और जुर्म भी साबित होने के कगार पे, फिर भी यही बीजेपी पार्टी उनको उठा के टिकट देती है। तो बचाती बीजेपी है हम नहीं, प्रजन लेवल ने हजारों वीडियो है, बचाती बीजेपी है हम नहीं, कुलदीप सेंगर बचाती बीजेपी हम नहीं, आप जान लीजिए ठीक है। मामले की जांच निष्पक्ष चल रही है, बोल लीजिए आप ही, बोल लीजिए रत्न को, बोल लीजिए किसी भी कोई भी व्यक्ति अपराधी हो सकता है, लेकिन जब तक वो अपराधी नहीं है तब तक वो अपराधी नहीं है। जो ही वो अपराधी हुआ हमने उसको पार्टी से बाहर किया। कैसे बाहर किसने किया? हमने किया ना, जैसे किसने भेजा? भारतीय जनता पार्टी ने भेजा ना। कैसे जैन जी आपको हमारी आवाज आ रही है, एक सवाल कैसे जैन जी, एक मिनट। हमारे साथ सुनील जी भी हैं, हमारे साथ जैनू लखतर जी भी हैं। सुनील जी आप ठीक है, दोनों प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा आपने सुना, उस पर तो मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले एक सवाल है सुनील जी कि जी, जब भी महिलाओं की बात आती है, ठीक है, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की बात आती है, तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष बार बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने ये प्रोटेस्टर्स की बात करें जो महिला रेसलर्स के साथ किया गया, बृजभूषण शरण सिंह का केस सबको पता है, फिर अब स्वाति मालीवाल का केस आ गया है, तो ऐसे में ये बार बार कह देना कि निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की जाएगी, हम सहयोग करेंगे, इतना कहने से क्या मामले जो मामले में जो पीड़ित है उसको न्याय मिलने की उम्मीद क्या बढ़ती हुई दिखाई देती है? ये क्योंकि ये तो केस ऐसा है कि वो खिंचता चला जाता है, हमने देखा महिला रेसलर्स के साथ क्या हुआ है, ठीक है, और दूसरी बात हमेशा महिलाओं को, एक मिनट, आप सुनते ही नहीं है, आप सवालों के जवाब तब दीजिए जब सवाल सुन लीजिए आप, एक मिनट। तो सुनील जी मेरा सवाल जल्दी खत्म करती हूँ कि महिलाओं को क्यों बार बार प्रूफ करना पड़ता है कि उनके साथ क्या हुआ? बृजभूषण शरण सिंह केस में देखा गया कि जब टेस्टिंग की बारी आई तो भी उन पर एलिगेशंस लगे, स्वाति मालीवाल के केस में भी यही हो रहा है कि उन्होंने अपना बयान तक दे दिया है कि मेरे साथ अगर मेरे कपड़े नहीं फटे या मेरे चोट नहीं दिखी या मेरा सर नहीं फटा, इसके लिए भी उनको ब्लेम किया जा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो आपके आपके शरीर पे क्यों नहीं दिखता? देखिए इस देश का संविधान तो गरीब और अमीर सबके लिए जैसा है, लेकिन इस देश की पुलिस दो संविधान चलाती है, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए। एक गरीब के खिलाफ FIR जैसे लाज होती है, मेरी समझ से 24 आवर्स ज्यादा समय बीत जाए तो भागता रहता बेचारा, पुलिस गुंडोलती रहती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। लेकिन जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है इस देश में, कोई आप देख लीजिए, पुलिस उसको दिन प्रतिदिन टालती रहती, चाहे सेंगर का मामला हो, मैं दावे साथ कर रहा हूं उसमें भी काफी समय लगा, प्रजापति जी का मामला हो उसमें भी काफी समय लगा, ऐसे एक दर्जन में मामले बता सकता हूं आपको, चाहे मरमणी जी का मामला हो, कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस होते हैं उसमें पुलिस के हाथ बन जाते हैं। हम पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, पुलिस हमारे देश की बहुत अच्छी है, लेकिन खाकी से खादी ज्यादा हावी रहती है और मजबूर होकर के पुलिस को उसके अंडर में काम करना पड़ता है। महिला हो चाहे पुरुष हो, छोटे स्तर का अगर है तो उसमें जांच, न्याय पाना, सही जांच होना, ये आसान काम इस देश में नहीं रहा जा रहा है। मुझे इस बात पे बड़ा कष्ट होता है। महिलाओं की बात आती है, हर पार्टी महिलाओं पर फोकस करके वोट लेने का प्रयास करती है।
दलितों की बात आती है तो फोकस करके वोट लेने प्रयास करती है, लेकिन जब उन्हें न्याय देने का मामला आता है, उनकी सुरक्षा का मामला आता है तो कन्नी काट लेती है। स्वाति मालीवाल जी अगर ऐसी थी, उन्होंने अपने पिता के ऊपर यौन शोषण का मामला लगाया जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा था कि ये इतनी नीचे स्तर पर जा सकती हैं, तो आपने उनको उस आयोग का अध्यक्ष बनाया जहां हमारी लाखों बहन बेटियां न्याय की उम्मीद करती हैं। आपने महिला आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया उनको, जब आपको मालूम था कि ऐसे वो कृत्य किसी साथ भी कर सकती हैं। दूसरा सवाल कि आपने उनको सांसद क्यों बनाया। आप जब वो आरोप लगा रही हैं तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पिता के ऊपर भी आरोप लगाया था। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी। अब चुनावी मुद्दा, तो देखिए ये देखिए चुनाव का माहौल है, हर राजनीतिक दल चाह रहा कोई मुझे ऐसा मुद्दा मिल जाए कि जनता मेरी तरफ आकर्षित हो। आपने 84 में भी देखा होगा इंदिरा जी की हत्या के बाद पूरे भारत में जो लहर चली, कांग्रेस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में आ गई। तो हमारे देशवासी दिल के बहुत दयालु होते हैं और भावनाओं पर बहुत बहते हैं। आप भावनाओं पर बहने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों मौका देते हैं। स्वाति मालीवाल जी गलत आरोप लगा रही है तो उनके ऊपर आप कार्रवाई कराइए। और रही इस बात की बात कि जैसे उन्होंने कहा मेरे बटन टूट गए, तो मुख्यमंत्री आवास का मामला है, वहां कैमरे भी होंगे या कैमरे तोड़ दिए गए हो, जो भी वो उस घटना के बारे में नहीं कह सकता हूँ, घटना सत्य है असत्य है, लेकिन जो आरोप लगा रही है स्वाति मालीवाल जी, इतना बड़ा आरोप कोई भी सांसद नहीं ला सकती है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं आप वाले आप पार्टी के कि ये मिथ्या आरोप है, चलिए अगर मिथ्या आरोप है तो दूध दूध पानी पानी होना चाहिए और सरकार को निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे हमारी सैकड़ों बहन बेटियों को ये उम्मीद हो कि जो हमारी अध्यक्ष है जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग इस देश में कैसे सुरक्षित रहेंगे। जी जी सुनील जी, तो ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमेशा पक्ष या विपक्ष ऐसे मुद्दों को लेकर के वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, एक प्रोपेगेंडा बनाती है, वो कोई अपना नहीं होता है, ये तो हमने देख लिया क्योंकि 20 सालों से वो पार्टी की कार्यकर्ता रही और सांसद बनी, राज्यसभा सांसद हैं 20 सालों से, उनके साथ ही ऐसा धोखाधड़ी, ये बड़ा सवाल उठाता है। बिल्कुल उठाता है। देखिए जो महिला रेस्टोरेंट साथ हुआ जी, मैं उसका शुरू से विरोध कर रहा हूँ कि बहन बेटी चाहे किसी की भी हो, मेरे इस देश की अगर बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी है, उसके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो बेटी किसी जात धर्म की नहीं, वो भारत की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी माँ, हमारी बहन है। उनके साथ जो हुआ देखिए उसमें सत्य के साथ ऐसा सामने आ गया है। और इस घटना में चूंकि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है, न्यायालय न्याय करेगा उन बहन बेटियों के साथ में, अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी हैं तो जेल जाएंगे, ठीक है, और अगर नहीं दोषी हैं जी ठीक है। सुनिए केसी जैन जी, आपसे अगला सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कांग्रेस को अपना एक मेन टारगेट बनाकर चलती थी, लेकिन जब से ये मुद्दा उठा है स्वाति मालीवाल वाला, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा अब आप पार्टी आप आपके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कैसे तोड़ा जाए और कैसे वहां की जनता को रुझाया जाए और कैसे इसे अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। केसी जैन जी, नहीं देखिए जहां तक चुनाव की बात है जी, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं और चुनाव हम लड़ रहे हैं, और रही बात ये कि जो भी चुनाव होता है पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं। रही बात ये कि कांग्रेस को टारगेट करने की, आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की, तो देखिए विपक्ष के रूप में जिस प्रकार से जो काम उन्होंने किए और जो उन्होंने गलतियां की उसको हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, हमने जो काम किए उसको हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। अब जनता फैसला करेगी कि किसको जनता को भारत देश के निर्माण की चाबी जनता किस पार्टी को के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ये केंद्रीय चुनाव है, कोई विधानसभा का, ग्राम पंचायत का या नगर निकाय का चुनाव नहीं है, तो ये फैसला जनता करेगी। लेकिन आपने जो कहा कि उसको छोड़ करके कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, देखिए आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया उसको हमने उजागर किया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने जो भी गलत कार्य किया उसको हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, साथ ही साथ जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है उसका भी हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक स्वाति मालीवाल का मामला है उसको लेकर के राजनीति करने की बात है,
उस पे भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल राजनीति करने की न तो आवश्यकता है न तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई राजनीति कर रही। हमारे सामने जितने भी विपक्षी दल हैं और जो चीजें हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाए, उससे ज्यादा हमारा जो फोकस है हमारा उससे ज्यादा फोकस है अपने काम पर, हमने जो काम किया उसको लेकर के जनता के बीच में हम जाए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घटित हुई है इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। एक राज्यसभा सांसद एक शक्तिशाली महिला के सम्मान की बात है, तो पार्टी उसमें स्वाति बालीवाल के साथ खड़ी है, भले ही वो आम आदमी पार्टी की सांसद है लेकिन चूंकि एक महिला है एक पीड़िता के रूप में इस समय है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस दृष्टि से देखना कहीं पर उनको मुद्दा बनाया जा रहा है, कोई मुद्दा वो नहीं है और बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। स्वाति बालीवाल को लेकर के कोई मुद्दे की बात नहीं है लेकिन एक पीड़िता के रूप में स्वाति बालीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे चैनल पे जाना है इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। ठीक है कैसे जैन जी, ठीक है धन्यवाद आपका। जैनुल अख्तर जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो एक सवाल था। जैनुल अख्तर जी जी सुनाई दे रहा, बोलिए जी। जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि अब इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी चुनावी रणनीति में एक अलग तरीके का बदलाव कर रही है और कर भी चुकी है, लेकिन इस बदलाव का चुनाव में कितना परिणाम होगा और कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? जैनुल अख्तर जी देखिए मैडम, इसमें जो है चुनाव में मुख्य मुद्दा से हम ये नहीं कहते, वो एक महिला है हम सम्मान करते हैं, सांसद हैं वो भी उच्च सदन की महिला सांसद हैं, हम लोकतंत्र में हर महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जो है जैनुल जी आपकी आवाज कट रही है, घटना हुई है वो एक सीएम आवास में हुआ है, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग कैमरा हो तमाम सुनाई दे रहा आवाज हमारी। हेलो जी जैनुल जी आ गया मैडम। जी जी बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक महिला है उनका सम्मान करता हूँ, उच्च सदन की सांसद है वो, लोकतंत्र में हर महिला को बराबर का हक है, उनके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ हो किसी भी तरह का अनैतिक उनके साथ व्यवहार किया गया हो जो कानूनी रूप से होना चाहिए वो कार्रवाई हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन हम इसको राजनीतिक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है वो ऐसे इसको जो है राजनीति में चुनाव में उठाए। हमारे देश में अभी हमारे आप पार्टी के साथी ने कहा बहुत से चीजों का उन्होंने उदाहरण दिया, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, महिला के ऊपर मैं जो है उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहता। बीएचयू में बीएचयू यूनिवर्सिटी बनारस में आपने देखा कि एक छात्रा के साथ क्या हुआ था, उसके बाद से तमाम ऐसे देश में मिजोरम में आपने देखा महिला के साथ क्या हुआ था, वो भी हमारी देश की बहन बेटियां हैं, उसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता था। लेकिन आज चुनाव भी मुद्दा जिनके साथ गलत व्यवहार होता है उनके साथ कानूनी कार्रवाई करके उनको मान सम्मान न्यायालय के तहत जो भी उनको जो है न्यायालय से उनको जो है न्याय मिले वो करने के लिए हम लोग उनके दुख में दर्द में हमदर्दी के साथ है। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए, अरे उनके उत्थान की बात किया जाए, उनके जो है सकारात्मक बात किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आप इस छोटी छोटी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं देश के सामने। हमने इसीलिए पहली बार में कहा मैडम कि देश के सामने आज संकट है, आज हमारी जीडीपी स्तर कहां चला गया, बेरोजगारी का फौज हो गया है, आज हमारे देश के नौजवान दूसरे देश में माइग्रेट कर रहे हैं, यहां पे जितने भी पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी है सब यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा इस बार जो है भारत की जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड पर्सन है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा देश से विदेश में चले गए, इस पे मुद्दा होना चाहिए, ये चर्चा होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो है रोजगार पे बात होना चाहिए, हमारा जो है आपका भ्रष्टाचार पे बात होना चाहिए, चंदा का धंधा हुआ इस पे बात होना चाहिए। इसके अलावा जो वैक्सीन पे हमारा जो है जो आपका जो कोरोना में जो वैक्सीन लगा उस कंपनियों से भी चंदा लिया गया और जो कोविड की जो सुई लगी थी उस ठीक है जो है 15 ठीक है जैनुल जी ठीक है 18 साल 25 जैनुल जी ठीक है 50 साल 60 साल के लोग हैं ठीक है जैनुल जी। अभिषेक जी से भी ये हमारा मतलब है कि इस पे मुद्दा होना चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दा ठीक है जैनुल जी ठीक है बनना चाहिए, न कि कोई महिला हो, सब महिला का सम्मान करता हूँ। अगर दुख जताना है मैडम, अगर दुख जताना है हमदर्दी जताना है हिंदू राज्य किसी भी कोने, चाहे वो बनारस की घटना हो, मिजोरम की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, जरा मेरे भाई कश्मीर भी याद कर लीजिए, कश्मीर की घटना हुई थी
क्या वहाँ के लोग नहीं थे? सारे घटनाओं पे सारे दल के लोगों को जिस तरह आज ये लोग संदेश खाली करना आप उन्हें दिखाई पड़ती है क्या? मुद्दा बना के उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं मैं कह रहा हूँ मैम कि आपको बनारस का मुद्दा याद आ गया और मुद्दे याद आ गए, अच्छी बात है। संदेश खाली मुद्दा आपको नहीं ध्यान आया है? संदेश खालिम बहन बेटियों साथ क्या हुआ? कश्मीर की घटना जो हुई वो छोटी मोटी घटना थी, आज भी कश्मीरी पंडित मारे मारे घूम रहे हैं। 90 से लेकर के आज 25-30 साल गुजर गए, किसी राजनीतिक दल ने क्या कश्मीरी पंडितों साथ न्याय किया? तो कश्मीर घटना आपको नहीं दिखाई पड़ी, मणिपुर घटना जरूर आपको दिखाई पड़ रही है। आप इस देश में जाति और धर्म पर मत बांटिए इन देशवासियों को। घटना किसी चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान साथ हो, चाहे सिख साथ हो, ईसाई के साथ हो, हर घटना अगर कुकृत्य हुआ है घटना में तो उसका विरोध करना चाहिए, हमारा आपका नैतिक दायित्व तो है, क्योंकि भारत एक है, भारत के लोग एक हैं। लेकिन आपको जात विशेष रूप से दिखाई पड़ी घटना, लेकिन जो सामूहिक वर्ग विशेष घटनाएं हैं उन पर आप लोग चर्चा नहीं करते, मुझे बेहद कष्ट होता है। आज देखिए कश्मीरी पंडित दिल्ली मारे मारे घूम रहे हैं, विस्थापित हो गए हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी भी आज 10 सालों से है, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वहां विस्थापित किया गया? कश्मीर में कोई इस पे राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो घटना किसी भी बहन बेटी के साथ हो, किसी धर्म के हो, उसका विरोध आप सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी। अभिषेक जी एक आखिरी सवाल, थोड़ा जल्दी खत्म कीजिएगा, कि जिस तरीके से अब बीजेपी ये नजरिया बदलने में लगी हुई है दिल्ली वालों के लिए, जो लोकसभा की सीटें हैं 7 सीटें हैं उस पर ये पूरा दावा है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी वो पूरी सीटों पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या लगता है इतना आसान होगा दिल्ली वालों का नजरिया बदलना बीजेपी के लिए? अभिषेक जी देखिए मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे हैं, जो कश्मीरों पंडितों की बात कर रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने मुद्दे की कोई बात करी नहीं आज तक, मुद्दे से सिर्फ भटकाने की बात की है। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे हमारे साथ, मैं करेक्ट कर दूं? ठीक है आप कंटिन्यू करिए। जो भी राजनीतिक दल कांग्रेस, सुन लीजिए बीजेपी, अभी मैं बताऊं कि कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार है, अलायंस में बीजेपी के साथ में अलायंस सरकार है, पहली चीज तो जान लीजिए। खाली बीजेपी और आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कश्मीरी पंडितों के पीड़क बात कर रहा हूँ जिसपे कोई राजनीतिक दल चर्चा करना नहीं चाह रहा है। मैं बात नहीं चाहता, मैं भूल जाइए, हम चर्चा करना चाह रहे हैं। रही बात आपने जो रत्ना जी बात करी है बीजेपी कितना इफेक्ट कर रही है, बीजेपी डरी हुई है, जो कि जेल का जवाब हम वोट से दे रहे हैं, दिल्ली की जनता नकार चुकी है और इनका जो डर सता रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के पास ले जाए अपना मुद्दा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इस मुद्दे को उछाल रहे हैं चुनाव के चक्कर में, और मैं आपको बता दूं इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है तो जांच में स्पष्ट जांच हो जाएगा। बीजेपी पूरी तरीके से हार रही है, हार की बौखलाहट में, क्या करे, कैसे करे, कहां से करे, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर के निचले स्तर तक नेता इनका बौखलाया हुआ है कि 4 जून को बीजेपी सपा है इस बार, इसलिए बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है तो जनता के बीच में क्या लेके जाए, इसलिए इस मुद्दे को तूल दे रही है। लेकिन कल जब वोटिंग होगी तो आपको स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। बीजेपी में 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है, हम इंडिया अलायंस 7 की 7 सीट जीत रहे हैं दिल्ली में, और बहुत अच्छी तरीके से अच्छी मार्जिन जीत रहे हैं। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा बीजेपी पूरी तरीके से जा चुकी है, ये बौखलाहट जो है बीजेपी की है। और मैं आपको बता दूं, ये स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी कितने भी कोई मुद्दे और ले आए, लेकिन बीजेपी अब रहने वाली नहीं है, जनता जान चुकी है, जेल का जवाब वोट से दे रही है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में इस मुद्दे पर बात करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित हमले को लेकर विवाद ने अब दिल्ली की राजनीतिक फिजा को बदल दी है, ऐसा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी में जिस तरीके का भारी उत्साह था, अब ठीक उसी तरह
स्वाति मालीवाल केस के बाद भारतीय जनता पार्टी भारी उत्साह में दिख रही है। हिंदी में कहावत है कि एक साधे सब सधे, भारतीय जनता पार्टी उस कहावत को चरितार्थ कर रही है। स्वाति मालीवाल केस के बहाने ही सही, आम आदमी पार्टी सरकार की अन्य कमजोरियों पर भी हमले अब तेज हो गए हैं। दिल्ली में जल संकट आम आदमी पार्टी के लिए और मुसीबत बन गई है। जाहिर है इस मुद्दे पर भुनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जानबूझकर दिल्ली में जल संकट पैदा करने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली में इंडिया गुट का मुकाबला करने के लिए भाजपा की रणनीति कांग्रेस की तुलना में आपको अधिक निशाना बनाना है, क्योंकि बीजेपी समझती है कि स्वाति मालीवाल पर हुए अत्याचार की बात करने से दिल्ली की जनता आप और कांग्रेस के बारे में अपनी नजरिया बदल देगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या इतना आसान होगा दिल्ली की जनता का नजरिया बदलना? खैर, इसका फैसला कल होने वाले मतदान के बाद लगभग हो ही जाएगा। कल 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना है और दिल्ली की 7 सीटों पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।